सबसे पहले तो जब आंदोलन किया था तब गेट के यहाँ से ही हमें पीछे जाना पड़ रहा था। आज मुस्लिम बांधव हमारी जो बहना है उन्होंने भी सपोर्ट किया, आज पुलिस ने भी सपोर्ट किया। आज बहुत अच्छा हमें फील हो रहा है कि आज वहां तक जाने के लिए कोई भी बीच में नहीं आया, किसी ने कुछ गलत घोषणा नहीं दी, किसी ने निषेध नहीं किया, मतलब सभी जो है वो नारी शक्ति के साथ है, आज ये पता चला है। और मैं सबका आभार मानती हूँ, सब मीडिया की आभारी हूँ, सब जो मुस्लिम भाई बांधव, सभी जो देश की जो जनता है सबकी आभारी हूँ कि हमारे आंदोलन में जैसे मीडिया ने हमें सपोर्ट किया वैसे ही जनता ने किया। हाईकोर्ट का जो फैसला आया है ये बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला है। तो मैंने अभी हाजी अली दरगाह में पिछली बार जब हम आए थे तभी हमने दुआ मांगी थी कि हमारे बाजू से जो है वो महिलाओं को प्रवेश मिले, कोर्ट का ऑर्डर हमारे बाजू से हो, इसलिए हमारी दुआ, हमारी जो मन्नत पूरी हुई इसलिए हम हाजी अली बाबा के द्वार पे आए थे। उनका हमने दर्शन लिया, उनको चद्दर चढ़ाई और उनसे फिर से प्रार्थना की कि अगली बार जब आएंगे तो सम्मान पूर्वक मजार तक दर्शन के लिए ही आएंगे। लेकिन लड़ाई अभी तक पूरी हुई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अभी जाना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या देखते हैं? जहाँ तक सर्वसाधारण पुरुष और महिलाएं जाती है वहां तक ही आज गए, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका उल्लंघन हमें नहीं करना था, हाईकोर्ट का आदेश का भंग नहीं करना था। और जल्द से जल्द हमें लगता है कि 6 हफ्तों की जो है वो मुदत हमें स्थगित मिली है, आगे जो ट्रस्टी का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं। लेकिन मेरे ट्रस्टी को भी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा जो निर्णय दिया है वो महिलाओं के बाजू से दिया है, उसका स्वागत करके आप शांति से विचार करें। और मुझे लगता है कि 2 ही दिन के अंदर अगर उन्होंने विचार किया तो मजार तक दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। मेरी ट्रस्टी से ये बहुत हाथ जोड़ के जो है वो विनती भी है। और सुप्रीम कोर्ट में फिर भी अगर वो गए तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ अलग निर्णय नहीं होगा, क्योंकि संविधान को लेके और जो महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हुआ था 2011 के पहले अगर यहाँ पे प्रवेश था तो वो जारी रखना चाहिए, वही निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगा, यही हमारा 100% आत्मविश्वास है। हम जब हाजी अली दरगाह में दर्शन लेने के बाद वहां पे मैंने पूछताछ की, लेकिन आज कोई भी ट्रस्टी संडे होने के कारण नहीं आया, ऐसा कारण बताया गया, इसलिए मैंने यहाँ से उनको अपील की है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रस्टियों ने जो है वो हाईकोर्ट का आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब हम आंदोलन के लिए आए थे तब उन्होंने कहा था कि जो कोर्ट में होगा उसके बाद हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन आज कोर्ट का फैसला आया है तो अभी वो बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं को जो समानता का अधिकार मिलना चाहिए वो दरगाह हो या सभी जातीय धर्म के मंदिर में ये प्रवेश होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, संविधान का आदर करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रस्टियों ने ये बात नहीं मानी है, वो कहीं ना कहीं बीच में इस्लाम धर्म को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा आंदोलन कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं था, ये महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई थी, वो यशस्वी हुई है, उसमें जो है वो महिलाएं जीत गई है। और मुझे लगता है कि ये हाईकोर्ट का जो निर्णय है इसका स्वागत करके जहां जहां पे ऐसा भेदभाव किया जाता है संविधान का पालन करके सभी ट्रस्टियों ने आगे आकर महिलाओं की जहां प्रार्थना स्थलों में असमानता दिखाई दे रही है वहां पे आगे आकर महिलाओं को प्रवेश देना चाहिए।